कोरोना संकट के बीच पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, अगले 3 महीने तक सरकार भरेगी पैसा। 15,000 से कम वेतन वालों को मिलेगा सीधा लाभ। जी हां, इसी अपडेट के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पीएफ खाता धारकों के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो अगले 3 महीने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन जमा किए जाने का अपडेट आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट पीएफ खाता धारकों के लिए है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक देके रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, कोरोना संकट के बीच पीएफ खाता धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से निकल कर आई है जो कि अगले 3 महीने के कंट्रीब्यूशन को लेकर है। जी हां, 15,000 से कम वेतन वालों को सीधा फायदा होने वाला है क्योंकि अभी सरकार जो है वो अगले 3 महीने के लिए इन कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन सीधा पीएफ खाते में जमा करने वाली है। खतरनाक कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाता धारकों को राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि अगले 3 महीनों तक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा किया जाने वाला ईपीएफ योगदान सरकार खुद करेगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी का 12% और कंपनी के 12% के ईपीएफ में किए जाने वाले योगदान को अब सरकार भरेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जहां पर 100 से कम कर्मचारी है, जिनमें 90% वेतन 15,000 रुपए से कम है, उन्हें सीधा फायदा पहुंचाएगा। कोरोना वायरस के चलते लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। सरकार ने 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। गरीबों को इस लॉकडाउन के चलते वित्तीय तौर पर परेशानियां न हो, इसके लिए सरकार ने यह घोषणा की है। इसके अलावा सीतारमण जी ने ईपीएफ निकासी में भी ढील देने का ऐलान किया है। अब ईपीएफ खाता धारक कुल जमा का 75% या 3 महीने की सैलरी दोनों में से जो भी कम है तो वो निकाल सकेंगे। इस पैकेज के तहत 3 करोड़ बुजुर्ग, दिव्यांगों और विधवाओं को पेंशन में 1,000 रुपए का इजाफा किया गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा महिलाएं जिनके पास जनधन खाता है उन्हें अगले 3 महीने तक 500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि इससे देश के करीब 20 करोड़ महिलाओं खाता धारकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। तो जी हां, यहां पर ये जो बड़ा अपडेट फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से निकल कर आया था जिसमें अगले 3 महीने के लिए जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए से कम है तो ऐसे सभी कर्मचारियों का जो 12% कर्मचारी का योगदान होता है और कंपनी का 12% होता है जो कि कुल मिलाकर 24% होता है तो वो अगले 3 महीने के लिए पीएफ खाते में सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। तो जी, ये जो अच्छी खबर पीएफ खाता धारकों के लिए थी तो उसी खबर के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी कर्मचारियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक देके रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।